राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उबला हुआ आलू से ढाबा स्टाइल सब्जी बना के दिखाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाही में 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाल के गोटा धनिया और जीरा का तड़का लगाएंगे। उसके बाद सूखा मिर्ची तेज़पत्ता डाल देंगे। उसके बाद आधा पिंच हींग डाल के इसे तरकने छोड़ देंगे। उसके बाद पतला पतला कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरा मिर्ची भी डाल देंगे। डाल के इसे धीरे धीरे भूनेंगे। इधर थोड़ा प्याज, 4 इंच लहसुन, आधा अदरक और हरा मिर्ची को कूट लेंगे। इधर उबला हुआ आलू को अच्छा से पीस पीस काट के इसे भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार, कुटा हुआ मसाला का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद इसे ढक देंगे। उसके बाद आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मीट मसाला डाल के इसे भूनेंगे। जब तक कि इसे तेल ना छूटे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, डाल के भूनेंगे इसे धीरे धीरे और 2 बड़ा बाटी पानी डाल देंगे। जब ये अच्छा से उबल जाए, इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। डाल के इसे चलाएंगे। देखिए सब्जी बन के तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों।